दोस्तों Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का प्री बुक शुरू हो चुका है, जहां पर ₹1 लगाकर आप प्रोडक्ट की प्री बुक कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि प्री बुक होता क्या है, प्री बुक होता कैसे है और इसका क्या बेनिफिट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं INT हिंदी टेक पर यह वीडियो, जिसमें मैं आपको प्री बुक के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल में। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। Amazon एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर ही रहे होंगे या Amazon के साइट से भी आप प्रीबुक कर सकती हैं। लेकर चलता हूं सीधे Amazon एप्लीकेशन पर, जहां पर प्रीबुक के बारे में समझेंगे भी और प्रीबुक कैसे करना है वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। आप सबसे पहले Amazon एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। Amazon एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप देखेंगे स्लाइड करके नीचे की तरफ, तो यहां पर आपको प्रीबुक का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट की प्रीबुक कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप पहले बुक करते हैं। प्रीबुक होता क्या है इसे हम लोग बहुत बेहतर से समझेंगे एग्जांपल के साथ। जैसे अभी कोई फोन की प्राइस ₹30,000 है और आपको मालूम है, या फिर वो सेल में जो है ₹20,000 या फिर ₹18,000 में बिकने वाला है, तो ज्यादा डिस्काउंट के कारण वह ज्यादा सेल होगा और ज्यादा सेल होगा मतलब आउट ऑफ स्टॉक, यानी आप जब बाद में खोजने जाओगे तो आपको वो प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल मिल सकता है, आउट ऑफ स्टॉक मिल सकता है, इस तरह की दिक्कत वहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन वही प्रोडक्ट का प्रीबुक अगर आप पहले ₹1 देकर कर लेते हो तो उसके बाद वह प्रोडक्ट आपके लिए स्टॉक में रहता है और आप उस प्रोडक्ट को सेल प्राइस में ले सकते हो बाद में। देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो प्रीबुक कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको हर हाल में लेना ही है। आप अपना प्रीबुक कैंसिल भी कर सकते हैं और आप चाहे तो उसके लिए बाद में पैसे चुकाकर वो ऑर्डर अपने घर पर मंगवा भी सकते हैं। ये प्रीबुक करने से बेनिफिट यही होता है कि सेल में वो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे तो मिलेंगे जिस प्रोडक्ट का आपने प्रीबुक किया है। आइए देखते हैं कि प्रीबुक होता कैसे है और इसका टाइमिंग क्या दिया गया है। Amazon के एप्लीकेशन में बताया गया कि प्रीबुक आप ₹1 में कर सकते हैं। स्टार्टिंग है प्रीबुक ₹1 में। आप देखेंगे इसका टाइमिंग क्या है, तो मोबाइल फोन अगर आप प्रीबुक कर रहे हैं तो इसका एक टाइमिंग दिया गया है जो कि 4 अक्टूबर 12 AM से 6 अक्टूबर 10 AM तक आप मोबाइल फोन का प्रीबुक कर सकेंगे। इसके बाद है अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट का टाइमिंग दिया गया है 5 अक्टूबर 12 AM से 6 अक्टूबर 6 PM तक आप अदर प्रोडक्ट का प्रीबुक कर सकेंगे। रिडीम का टाइम भी दिया गया है, आप अपने प्रीबुक प्रोडक्ट का रिडीमशन कर सकते हैं जो कि मोबाइल फोन का 6 अक्टूबर 12 PM से टिल मिडनाइट तक, ठीक है। उसके बाद है अदर प्रोडक्ट का 6 अक्टूबर 8 PM से टिल मिडनाइट तक आप अपने प्रीबुक ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ आपको लेना है, तो आपको बाकी के पेमेंट करना पड़ेगा। एक और बात बता दूं, जो प्रीबुक आप ऑर्डर लगाते हैं उस पर बैंक डिस्काउंट ऑफर आपको दिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर मेंशन कर दिया है कि आप बैंक डिस्काउंट ऑफर ले सकते हैं अपने प्रीबुक प्रोडक्ट पर, जो कि जब आप अपने प्रीबुक ऑर्डर को रिडीम करेंगे वहां पर बैंक ऑफर आपको दिखेगा। और इस बार जो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है इसमें आपको बैंक ऑफर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट डेबिट कार्ड पर 10% का डिस्काउंट दिए जाते हैं और भी अलग अलग ऑफर आपको मिल जाती हैं। अब देखते हैं कि प्रीबुक करना कैसी है। जैसे मोबाइल फोन का आप प्रीबुक करते हैं तो मोबाइल फोन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि प्रीबुक यहां पर ₹99 लिखा जा रहा। अब आप सोचोगे कि ₹1 में प्रीबुक बताकर ₹99 लिया जा रहा, तो देखो अलग अलग प्रोडक्ट की जो प्राइस है प्रीबुक का वो अलग अलग रखे गए हैं। जैसे मोबाइल फोन में ₹99, इसमें भी कुछ ऐसे मोबाइल फोन है जिसमें 299 या 499 प्रीबुक देखने को मिलेगा। जो आप प्रीबुक करती हैं, जैसे ₹1 देते हैं या फिर ₹99, वो वहां पर माइनस हो जाता है बाद में आप जो पेमेंट करेंगे उसमें। यदि आप प्रीबुक कैंसिल कर देती हैं तो ये आपका जो प्रीबुक वाला अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है, Amazon वॉलेट में मिल जाता है, तुरंत के तुरंत आपको दे दिया जाता है। या फिर आप प्रीबुक वाला ऑर्डर कंफर्म नहीं करती हैं तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपको रिफंड मिल जाएगा प्रीबुक वाला अमाउंट। अब देखो प्रीबुक करना कैसे है। यहाँ पर मान लो कि मुझे सैमसंग गैलेक्सी S23 FE प्रीबुक करना है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ₹59,999 अभी कीमत बताया गया है। तो आप यहां पर देखेंगे ना, यहां पर प्रीबुक जो है ₹99 प्रीबुक के लिए लिया जाएगा और बाकी के जो पेमेंट करना है उसका भी टाइमिंग दिया गया है। तो अलग अलग आपको टाइमिंग देखने को मिल सकता है प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे 8 अक्टूबर 12 AM से 11:59 तक
बताया गया कि आप अपने परचेस को कंप्लीट कर लेंगे। नीचे में प्रीबुक बेनिफिट अप टू 1000 कैशबैक बताया गया है कि प्रीबुक का जो बेनिफिट है वो अप टू 1000 कैशबैक आपको मिलेंगे। साथ ही साथ नेट इफेक्टिव प्राइस 49,999 रुपया बताया गया है। अब प्रीबुक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर प्रीबुक पर क्लिक करना है। प्रीबुक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर अमेज़न के वॉलेट से प्रीबुक होता है, यानी अमेज़न के वॉलेट बैलेंस से, तो आप अमेज़न के वॉलेट बैलेंस में पैसे ऐड करके रखेंगे। यहाँ पर 65 रुपया है। मैं दूसरा प्रोडक्ट आपको प्रीबुक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला में प्रीबुक 1 रुपया में बताया गया है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो जो प्रोडक्ट का प्रीबुक होना है वो बता देगा कि कितना में आप प्रोडक्ट की प्रीबुक कर सकेंगे। जैसे यहां पर स्लाइड करता हूं, ये 1399 का अभी बताया जा रहा और 1 रुपया में मैं प्रीबुक कर सकूंगा, इस तरह से आप देखेंगे। साथ ही साथ यहां पर और भी प्रोडक्ट है, इसे भी मैं 1 रुपया में प्रीबुक कर सकूंगा। आगे आते हैं तो आगे देखेंगे तो इसे मैं 99 रुपया देकर प्रीबुक कर सकूंगा, ऐसे बताया गया है। तो चलो एक प्रीबुक करता हूं, यहां पर 999 रुपया जिसका बताया जा रहा, इसका मैं प्रीबुक करता हूं, स्लाइड करता हूं। आप देखेंगे इसका जो पेमेंट करना है वो कल ही परसेस करना है, 8 PM से जो 7 अक्टूबर तक 12 AM तक, ठीक है, ये भी बता दिया जाता है। प्रीबुक करने के लिए प्रीबुक पर मैं क्लिक करूंगा। प्रीबुक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रीबुक हो गया, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, प्रीबुक हो गया, इस तरह से आप प्रीबुक कर पाएंगे। यहाँ पर बाकी के जो पेमेंट करना है वो डेट दे दिया जाता है, समय दे दिया जाता है कि इतने समय के अंदर आप इसका पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप प्रीबुक ऑर्डर को एडिट या रिव्यू करना चाहती हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, रिव्यू एंड एडिट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कैंसिल प्रीबुक का ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप इस प्रीबुक को कैंसिल करना चाहते हैं तो प्रीबुक कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कैंसिल प्रीबुक पर क्लिक करके यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो भी आप प्रीबुक में पैसे लगाए हैं वो आपको रिफंड मिल जाता है, वापस मिल जाता है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख पाएंगे, 1 रुपया में मैंने प्रीबुक किया और ये मुझे वापस मिल गया जब मैंने उसी कैंसिल किया। अगली बार जब आप प्रीबुक करते हैं ना, तो अगली बार जो पेमेंट करेंगे वो 1 रुपया में करते हैं तो 1 रुपया वहां पर कम देना पड़ेगा, 99 रुपया करते हैं तो 99 रुपया वहां पर कम देना पड़ेगा। इस तरह से आप काफी आसानी से प्रीबुक लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से 1 रुपया में प्रीबुक करना है या फिर प्रोडक्ट वाइज जो प्रीबुक का कीमत रखा गया है उतना में आपको प्रीबुक करना है। देखो प्रीबुक करने से बेनिफिट ही होता है, कोई नुकसान होता नहीं है। आप चाहते हैं तो प्रीबुक को कैंसिल ही कर सकते हैं, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है कि प्रीबुक जो आपने किया है वो आपको ऑर्डर लेना ही पड़ेगा। आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर आप पेमेंट नहीं करते हैं बाकी के तो ऑटो कैंसिल हो जाता है और फिर आपको वहां पर प्रीबुक वाला अमाउंट मिल जाता है। अब सवाल आता है कि प्रीबुक का जो बाकी का पेमेंट है वो मैं किससे कर सकता हूं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, जिस भी पेमेंट मेथड को यूज करना चाहती हैं वो मेथड आप यूज करके कंफर्म करेंगे। अगर कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहती हैं तो कैश ऑन डिलीवरी अगर उस प्रोडक्ट पर है तो आप कैश ऑन डिलीवरी में भी मंगा सकती हैं, बस बाद में आपको पेमेंट का कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ मैं अभी पेमेंट कर रहा हूं या फिर कैश ऑन डिलीवरी में मंगवा रहा हूं, तो आप मंगा सकती हैं। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, आप कंफर्म हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए ही और ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो, तो आप अभी ही प्रीबुक लगा सकते हैं और बाकी के जो पेमेंट करना रहता है उसमें जो सेल में कीमत रखा जाएगा ना उतना ही आपको पेमेंट करना रहेगा, उससे ज्यादा नहीं करना रहेगा। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। लिमिटेड समय दिया गया है प्रीबुक करने का, आप लोग जो भी प्रोडक्ट लेना चाहती हैं उसका आप प्रीबुक कर सकती हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।